हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये लेमा पढ़ी थी। इस लेमा से पहले हमने फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन और वॉल्यूटर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। इस वीडियो में हम इस लेमा का यूज करके, ये लेमा याद रखनी है, इस लेमा का यूज करके किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वॉल्यूटर इंटीग्रल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, जहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वाई जीरो एट वाई वन एंड वाई डैश जीरो पे जीरो, टू वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन। बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कंसिडर हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कंसिडर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव एक्स। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा, इक्वल टू जीरो टू एक्स फाइव जाई डी जाई प्लस कॉन्स्टेंट जो कि सी वन। अब इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, वाई डैश एट जीरो पे जीरो। तो हम यहाँ पे अगर हम ये हमारे पास वाई डैश सी है और ये हो गया हमारे पास जीरो टू जीरो फाइव जाई डी जाई प्लस सी वन। अब ये जीरो इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन भी जीरो हो गया प्लस सी वन, तो सी वन जो है वो हमारे पास जीरो हो गया। तो यहाँ से सी वन जीरो हो गया, तो ये हो गया हमारे पास सी वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स फाइव जाई डी जाई। अब ये हो गया, फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स मैं, फिर से इंटीग्रेशन करने पे जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब बेसिकली वाई बराबर, ये तो वाई हो जाएगा जीरो टू, अब ये एक्स और ये जीरो टू एक्स वन, ये इसको हमने एक्स वन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया हमारे पास फाई जाई डी जाई प्लस सी टू, ये हो गया हमारे पास। अब ये चीज हो चुकी है, अब यहाँ पे हमें यूज करना है जो हमने लेमा पढ़ी थी। लेमा क्या थी हमारे पास, ये हमने लेमा थी, अगर इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन हो तो उस कंडीशन में वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे और ए टू एक्स एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस वन एफ जाई डी जाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्स वन तक है, तो एन बराबर क्या है यहाँ पे टू, एन बराबर टू है। बेसिकली अगर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे एन माइनस वन तक जा रहा है, तो यानी कि ये एन माइनस वन तक जाएगा और यहाँ पे ये एन माइनस वन तक और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जैसे ये वन तक जा रहा है तो यहाँ पे वन फैक्टोरियल आएगा, ये हो गया हमारे पास वाई बराबर, ये हो गया जीरो टू एक्स और वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस वन तक जा रहा है यानी वन फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा फाइव जाई, ये हमारे पास फाइव जाई पहले यहाँ पे एक्स माइनस जाई टू द पावर एन माइनस वन, जो एन माइनस वन की जगह क्या है यहाँ पे वन वन, और ये हो गया फाइव जाई ऑफ डेल जाई प्लस सी टू डी जाई प्लस सी टू, ये हो गया जो कि हमारे पास ये टर्म है, ये टर्म है फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है, जो बाउंड्री कंडीशन है, वो हमारे पास यूज करते हैं हम। बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या, सॉरी इनिशियल कंडीशन है वाई जीरो पे वन, तो वाई जीरो पे वन, तो यहाँ पे ये हमारे पास जब वाई ये वन, ये हो गया यहाँ पे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये वन हो गया, और जीरो टू जीरो लिमिट, तो ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो टू जीरो लिमिट हो गई प्लस सी टू, तो ये हो गया, ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो टू जीरो लिमिट है यहाँ पे, तो ये सी टू इक्वल टू वन, तो यहाँ पे सी टू इक्वल टू वन हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास वाई। अब हमारे पास बेसिकली क्या है, वाई नोन है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स नोन है एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नोन है, तो ये सारी वैल्यूज हमें इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन थी इसमें पुट करनी है हमें। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू, और वाई की जगह जो हमने लास्ट में निकाल ली है। तो
यानी कि ये वैल्यू। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो 5x प्लस एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया एक्स 0 to x 5y dy, 0 to x x माइनस जाई 5y dy प्लस 1। अब अगर इसको देखें तो इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में, ये हो जाएगा x। अब बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 5x तो रहेगा ही, प्लस ये टर्म भी रहेगी हमारे पास सेम, x 0 to x 5y dy प्लस, अब ये टर्म है इसको हम तोड़ सकते हैं, तो 0 to x जब x के साथ तोड़ा हमने, अब चूंकि इंटीग्रेशन किसके करस्पॉन्डिंग है जाई के, तो x तो ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, इसको बाहर ले सकते हैं, और ये हो गया 5y dy माइनस, और इस बार हमारे पास 0 to x इंटीग्रेशन और जाई 5y dy, ये हो गया प्लस 1। तो ये हमारे पास बेसिकली ये टर्म जो है एक्स वाई टर्म, ये दो बार आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे, तो ये टर्म दो बार आ चुकी है, तो इसको सम कर देंगे, तो सम करने पे ये जो टर्म है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 0 to x 2x, और ये हो गया 5y dy माइनस 0 to x जाई 5y dy प्लस 1 = 0। तो ये हो गया हमारे पास। अब इस टर्म को, बाकी टर्म को जो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और साथ में ये टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 to x और ये हो जाएगा 2x माइनस जाई, और ये हो गया 5y dy, ये हो गया हमारे पास। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से ये टर्म आ चुकी है। अब यहाँ से हमें 5x को लेफ्ट हैंड में रखना है, बाकी टर्म को राइट हैंड में ले जाएंगे, तो राइट हैंड में ले जाने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी जो कि सॉल्यूशन है। तो ये बेसिकली ये वैल्यू आएगी, 5x की वैल्यू ये आएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और क्वेश्चन जो कि हमारे पास नीचे एक्सरसाइज में दिए हैं, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमें ट्राई करना है, तो इसका आंसर ये आएगा, ये जब ट्राई करोगे तो इसका आंसर हमारे पास इस तरह से आएगा। इस तरह से जब इस नीचे वाले क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो नीचे वाले क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन इसी तरह से निकल आएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वाई स्ट्रेस एम टेस्ट, सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे वाई स्ट्रेस एम टेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।